हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को लेके चलूंगा नकुचिया ताल, पैराग्लाइडिंग जहाँ पे होता है और हॉट एयर बैलून एक्टिविटीज। तो अभी मैं हल्द्वानी से आ रहा हूँ भीमताल। ये भीमताल तिकोनिया है, जहाँ से लेफ्ट साइड में जाएंगे तो दिल्ली की तरफ रोड जा रहा है और हम जाएंगे राइट साइड। ये भीमताल होता हुआ हम नकुचिया ताल चले जाएंगे। सितंबर का मौसम है, बहुत सुहाना हो रखा है, टूरिस्ट खूब आ रहे हैं यहाँ पे। राइट हैंड पे ये भीमताल है, टूवर्ड्स नकुचिया ताल की तरफ हम जा रहे हैं। ट्रैफिक देखिए, यहाँ पे बच्चों की छुट्टी पड़ गई इसलिए सब घूमने आ रहे हैं। इस टाइम राइडिंग भी हो रहा है भीमताल के अंदर, जैसे बोटिंग और काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ है वाटर, जो लोग एंजॉय कर रहे हैं प्रॉपर। यह है कैचूला देवी की मंदिर, काफ़ी मान्यता प्राप्त है यहाँ पे। पहाड़ तो पहाड़ी होते हैं, खुला सांस लेते हैं हम यहाँ पे। ये हम आ गए भीमताल पार्किंग, इसको क्रॉस करके नीचे रोड जा रहा है भीमताल की तरफ। मैंने ऊपर वाला रोड ले लिया, शॉर्टकट है ये। तो मार्केट के बीच में से नहीं आया मैं, बाहर ही बाहर में निकल रहा हूँ टूवर्ड्स नकुचिया ताल। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है पैराग्लाइडिंग एंड हॉट एयर बैलून एक्टिविटीज़, जो बहुत ही कम जगह पे होते हैं इंडिया में। तो दोस्तों, अब हम ऑलमोस्ट भीमताल क्रॉस करने वाले हैं। ये सारे रेजिडेंस एरिया है, देखिए कितने अच्छे अच्छे घर बने हुए लोगों के। पहाड़ों में भी इतने अच्छे अच्छे कंस्ट्रक्शंस बहुत कम देखने को मिलता है। हम मार्केट छोड़ के पीछे आगे की तरफ आ गए हैं नकुचिया ताल की तरफ। जितना ऊपर जा रहे हैं हम, वेदर भी उतना चेंज होता जा रहा है, ठंडक धीरे धीरे महसूस होने लगा है, क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ ग्रीनरी है, हिल्स ग्रीनरी एंड ऑब्वियसली ताल तो है ही है। कैसा लग रहा है दोस्तों, कमेंट्स पे जरूर बताना आप लोग मुझे। अब हम पहुंचने वाले हैं पैराग्लाइडिंग वाले स्लॉट पे, जहां पे पैराग्लाइडिंग करवाया जाता है। इस साइड की सड़कें भी काफ़ी चौड़े हैं, तो जैसे रिस्क वाली कोई बात नहीं होता। बस हम पहुंच गए पैराग्लाइडिंग वाले एरिया पे, स्काई बर्ड एडवेंचर्स। ये नकुचिया ताल में बहुत फेमस है, पैराग्लाइडिंग करवाते हैं ये लोग। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं, टूरिस्ट यहाँ पे आ चुके हैं। पूरा नकुचिया ताल कवर होता है, एक अलग ही एडवेंचर है। जब तक आप करोगे नहीं पैराग्लाइडिंग, आपको इस एडवेंचर का एहसास नहीं होगा। ये देखिए ताल के ऊपर से जा रहे हैं, मतलब इट्स डिफरेंट। अब हम पहुंच रहे हैं जहां पे हॉट एयर बैलून एक्टिविटीज होते हैं। ये देखिए दोस्तों, हम पहुंच गए, आप लोगों को दिख भी रहा होगा, ऑलरेडी राइडिंग चल रहा है। देखिए अब हम उनके सेंटर पॉइंट पे जाएंगे, जहां से ये हॉट एयर बैलून की एक्टिविटीज प्रोवाइड करवाते हैं। ये देखिए,
ये हॉट एयर बलून पैड है जहाँ पे लैंड कर रहे हैं। आसपास रेजिडेंस एरिया भी है, बहुत बढ़िया मौसम हो रखा है, सीनरी बहुत अच्छी है। तो फ्रेंड्स कैसा लग रहा है? आई जस्ट शेयर माई फीलिंग्स आप लोगों के साथ, मैं अपना फीलिंग्स शेयर कर रहा हूँ। कैसा लगा फ्रेंड्स आप लोग कमेंट्स पे जरूर बताना। देखिए कितने हाइट तक चाहते हैं ये। ये सर जो पैराग्लाइडिंग और हॉट एयर बलून की राइड्स करवाते हैं। तो फ्रेंड्स मजा आया ना? प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल दिल तो रोमिंग है। Thank you.